Hello, I'm Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today, we are going to solve the full-fledged question of cash book, that is a triple column cash book. So, let's read the statement. Transactions for the month of the March 2020 of Messrs. Gupta & Company are furnished here as under. You are requested to enter the same in an appropriate cash book. तो आपने कैश बुक का पहले परफॉर्मा बना लेना है. मैंने आपको बताया हुआ है परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो. तीन कॉलम होते हैं आपके, ये रिसिप्ट साइड है. तीन कॉलम होते हैं आपके डिस्काउंट, कैश और बैंक. इन द सेम वे पेमेंट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और पेमेंट साइड पे भी तीन कॉलम होंगे, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट मार्च की ट्रांजेक्शन है, डेट इज कैश इन हैंड इज 415 एंड कैश एट बैंक इज 2530. तो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं और एसेट्स की ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होते हैं. टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस आपका है 415 और बैंक का बैलेंस है 2530. नेक्स्ट उसके बाद पेड वेजेस बाय चेक. तो वेजेस बाय चेक का मतलब ये हो गया कि वेजेस बिजनेस पे कर रहा है और क्या देकर, चेक देकर पे कर रहा है. इसका मतलब बैंक से पेमेंट जा रही है, तो इसका मतलब हमसे पेमेंट जा रही है. नेक्स्ट है पेड वेजेस बाय चेक, मतलब वेजेस जा रही हैं तो पेमेंट साइड आएगी. ये पेमेंट साइड है क्रेडिट साइड, तो बाय वेजेस लिखेंगे लेकिन चेक लेके जा रही है, दैट्स वाई बैंक में अमाउंट आ जाएगी 950. देन उसके बाद है मेड कैश परचेजेस, मतलब बिजनेस ने कैश देकर चीजें खरीदी, तो ये भी पेमेंट है, दैट्स वाई ये कहाँ पे आ जाएगी, पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बाय परचेजेस अकाउंट, लेकिन कैश के कॉलम में आएगा 150. नेक्स्ट है रिसीव्ड 530 बाय चेक फ्रॉम कृष्णा एंड अलॉड हिम डिस्काउंट रुपीज 20. लिसन टू मी नाउ वेरी केयरफुली प्लीज. अगर आपको कोई चेक रिसीव होता है तो आप उस चेक के बारे में फर्दर स्टेटमेंट जरूर पढ़िए कि उस चेक को सेम डेट पे बैंक में जमा करवाया गया है या नहीं. अगर सेम डेट पे बैंक में जमा नहीं करवाया गया तो चेक नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे हम बैंक वर्ड की बजाय चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे. अब हम आगे स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि जो कृष्णा से चेक मिला है उसके बारे में फर्दर तो नहीं कुछ लिखा हुआ. पेड चेक टू मोहन, कैश सेल, ब्राउड फर्नीचर, बैंक क्रेडिटेड, रिसीव द चेक ऑफ सुरेश, डिपॉजिट टू बैंक, कुछ भी मेंशन नहीं है. इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये चेक जिस दिन मिला हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया. तो 530 आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब रिसिप्ट है और आपने बैंक में भी उसी दिन जमा करवा दिए, तो 530 रुपीस बैंक के रिसिप्ट साइड पे आ जाएंगे. ये रिसिप्ट साइड है और यहाँ पे हम टू कृष्णा लिख देंगे 530 और कृष्णा को हम डिस्काउंट कितना लो कर रहे हैं, डेट इज अ 20, तो हम डिस्काउंट के कॉलम में 20 रुपीज लिख देंगे. उसके बाद अगर ये चेक आगे कोई लाइन लिखी हो तीस चेक के बारे में कि जो 15 मार्च को चेक मिला है वो 22 या 23 मार्च को बैंक में जमा करवा दिया गया है, तो जिस दिन चेक मिलना था उस दिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होनी थी क्योंकि उस दिन हमने वर्ड यूज करना था चेक इन हैंड और हम कॉलम बना रहे हैं कैश, बैंक एंड डिस्काउंट और चेक इन हैंड कोई भी कॉलम नहीं है. डेट्स वाई जिस दिन चेक मिलता उस दिन हम कोई भी एंट्री ना करते कैश बुक में अगर चेक सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट ना हुआ होता. लेकिन अब ये सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट है इसलिए हम बैंक को डेबिट कर देंगे. आई मीन टू से ये बैंक में पड़ रहा है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो रिसिप्ट साइड में बैंक में अमाउंट डाल देंगे 530 और डिस्काउंट के कॉलम में 20. पेड चेक टू मोहन 400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 415. हमने मोहन को 415 रुपीज देने थे और 400 रुपए देके फुल सेटलमेंट कर दी, तो ये हमारी पेमेंट है लेकिन चेक जा रहा है इसलिए बैंक में अमाउंट आएगी बाय मोहन बैंक में 400 और 15 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल गया इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. नेक्स्ट कैश सेल अमाउंटेड रुपीज 150. अब कैश आ रहा है और मतलब रिसिप्ट हो गया, हम सेल कर रहे हैं तो रिसिप्ट साइड पे कैश के कॉलम में 150 आ जाएगा और यहाँ पे हम टू सेल्स लिख देंगे. उसके बाद है बाउट फर्नीचर फॉर 300 पेड बाय चेक. फर्नीचर खरीदा गया बैंक बिजनेस के द्वारा और 300 चेक पेमेंट करी गई, तो हम बाय फर्नीचर लिखेंगे पेमेंट साइड पे और बैंक के कॉलम में 300 डाल देंगे. बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट विद 200 फॉर इंटरेस्ट. बैंक ने हमें क्रेडिट किया, हम बैंक से उल्टा चलते हैं. बैंक ने हमें क्रेडिट किया, बैंक के क्रेडिट करने का मतलब बैंक ने हमें पैसे दिए, हमारे अकाउंट में डाले, तो बैंक गिवर हो गया 200. तो इसका मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो मैं मेरा ये रिसिप्ट हो गया तो मैं टू इंटरेस्ट लिखूंगी यहाँ पे बैंक के कॉलम में 200. देन रिसीव द चेक फॉर 250 फ्रॉम सुरेश.
एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹10। चेक मिला सुरेश से, तो सुरेश से अगर चेक मिला तो मैं फर्दर जरूर चेक करूंगी कि सुरेश चेक के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये मैं मान लूंगी कि चेक सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो ये मुझे चेक मिल रहा है, इसलिए रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा टू सुरेश, बैंक के कॉलम में 250 एंड डिस्काउंट मुझे अलॉट किया है मैंने, तो ये डिस्काउंट के कॉलम में ₹10 आ जाएगा। देन उसके बाद आ गया डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹300, मतलब बैंक में 300 जमा करवाए गए, मतलब मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट हो रहा है लेकिन मेरे से कैश चला जा रहा है, मतलब ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसको हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में दोनों साइड्स में रिकॉर्ड करना होता है। ये दो ही तरह से हो सकती है, या तो हम बैंक में पैसे जमा करवा दें या बैंक से पैसे निकलवा दें। अब हम बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो 300 इस साइड पे आ जाएगा, टू कैश यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 बैंक के कॉलम में, और यहाँ पे हम सी लिख देंगे बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, और बिजनेस से कैश जा रहा है डेट्स वाई यहाँ पे आएगा बाय बैंक और सी लिख देंगे, और कैश के कॉलम में 300 आएगा क्योंकि कैश जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, ये दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश जा रहा है। अगर रिसिप्ट है तो बैंक के कॉलम में आ गया क्योंकि बैंक में रिसिप्ट हो रहा है, और कैश जा रहा है इसलिए पेमेंट साइड पे कैश के कॉलम में 300 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैश का टोटल लगाएंगे डेबिट साइड का, और कैश के क्रेडिट साइड का भी टोटल लगाएंगे। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे, हमारे पास बैलेंस सीडी बच जाएगा 115, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल आया था 565 और क्रेडिट साइड का टोटल आया था 450। 565 में से हमने 450 माइनस किया तो छोटी साइड पे हमने बैलेंस सीडी लिख दिया कि हमारा कैश इतना आया और इतना चला गया और हमारे पास बैलेंस इतना बच गया। इसी तरह हम बैंक के कॉलम का भी टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा रिसिप्ट साइड का 3810 और क्रेडिट साइड का भी टोटल लगाएंगे। 3810 में से क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैंक बैलेंस बच जाएगा 2160। इस तरह हमने कैश और बैंक का बैलेंस सीडी निकाल लिया। अब डिस्काउंट की दोनों साइड्स का टोटल तो लगाएंगे लेकिन इनको आपस में माइनस करके बैलेंस नहीं निकालेंगे बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट अकाउंट्स। ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसका टोटल आया 30 और इसका टोटल आ गया 15। तो ये था ट्रिपल कॉलम कैश बुक सारा कि हमने किस तरीके से इसे मेंटेन करना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉन्ट्रा एंट्री हो तो उसमें थोड़ा ध्यान से देखना है, या हमें चेक मिले तो उसको हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि वो चेक सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर बैंक में सेम डेट पे डिपॉजिट हुआ है तो बैंक रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, रिसिप्ट साइड पे हम बैंक के कॉलम में पैसे डाल देंगे। अगर सेम डेट पे चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो वो एंट्री, वो ट्रांजैक्शन की एंट्री हम इस अकाउंट में करेंगे नहीं, मतलब अब कैश बुक में नहीं करेंगे ये एंट्री, क्योंकि जिस दिन चेक मिला और हमने बैंक में जमा नहीं करवाया तो हमें चेक इन हैंड मिल रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, तो हमारे पास चेक इन हैंड का कोई कॉलम नहीं है। इसलिए जिस दिन चेक मिले और हम बैंक में जमा ना करवाएं तो उस दिन कोई भी एंट्री जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। डेट्स ऑल, थैंक यू।